नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि blogger.com के अंदर जो है आप किस तरह से अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे और वहां पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग आर्टिकल को जो है बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल लुक जो है देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जो है हम मार्केट के अंदर या ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आई वुड से कि हम जो है सक्सीड हो पाएंगे। तो ये टूल्स कौन कौन से हमें इस्तेमाल करने हैं, उनका क्या काम है, तो ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो है आप हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेरे साथ साथ तो आप ज्वाइन करेंगे मेरे को ही, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे और भी प्रोफेशनल्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिनके भी एक्सपीरियंस से जो है आप अपने नॉलेज को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो इन दोनों का ही लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है आप ब्लॉगर के ऊपर अपने पोस्ट को क्रिएट करते हैं और वहां पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम आगे ब्लॉगर के ऊपर, तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो बार है इसमें हमने पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर अभी देख सकते हैं कोई भी पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, तो यहां पर आपको एक ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट अ न्यू पोस्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके ऊपर किस तरह से आर्टिकल लिखना है वो, किस तरह से काम करना है वो आने वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये जो सारे ऑप्शंस जो बता के रखे हैं यहाँ पे, ये चाहे राइट हैंड साइड पे है या ये ऊपर में टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार बोला जाता है जिसको, इनमें से किसका क्या इस्तेमाल करना है, किस तरह से आप अपने आर्टिकल को अच्छे से बना सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होता है पोस्ट। पोस्ट का टाइटल, बेसिकली ये वो टाइटल होता है जो हमारे आर्टिकल का टाइटल दिखना चाहिए। एग्जांपल के लिए यहां पर मैं ओपन करता हूं हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि है jeethosting.com। तो jeethosting.com के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे, तो थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इस वजह से यहां पे जो है ओपन होने में थोड़ी देर लग रही है, ये ओपन हो चुका है। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं ये आर्टिकल लिखे गए हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये जो पहला ऊपर का दिख रहा है ऑप्शन ये कहलाता है टाइटल। तो ये टाइटल देने के लिए आपको यहां पे लिखना होता है, तो ये टाइटल जो है आप इस तरह से यहां पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो है ये सबसे बाय डिफॉल्ट जो है कंपोज ऑप्शन जो है आपका बाय डिफॉल्ट यहां पे सिलेक्टेड रहता है, और ये इसलिए सिलेक्टेड रहता है क्योंकि हर किसी को कोडिंग नहीं आती है, तो वो जो है बहुत आसानी से ये जो पूरा व्हाइट स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम अपना पूरा पोस्ट जो है वो लिख सकते हैं और बिल्कुल हमें किसी भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन है HTML। तो बेसिकली अगर मैं इस पे, जैसे मैंने यहां पे क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं ऊपर के ऑप्शन जो है बहुत सारे यहां से हट चुके हैं और यहां पे कुछ कोडिंग जो है वो हमें दिखने लग गई है। तो ये बेसिकली कोडिंग क्या है कि ये उन लोगों के लिए है जो HTML कोडिंग जानते हैं, उनको अपने हिसाब से कुछ और डिफाइन करनी है लेआउट्स वगैरह, तो वो आसानी से जो है HTML कोडिंग की हेल्प लेके अपने ब्लॉग पोस्ट को जो है अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। आप कंपोज के ऊपर जाकर भी सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं सारी चीजें आपको करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद जो है यहां पर है ये आपका अंडू ऑप्शन। ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब हम यहां पे सपोज को लो आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस आर्टिकल के अंदर हमने कुछ गलती से हटा दिया, तो उसको हमने क्या करना है, वापस लिख के आना, तो हम यहां पे अंडू कर सकते हैं। अब यहां पे सपोज कर लो ये मैंने एक लिखा, लेकिन अब मैंने यहां पे जो है सेव कर दिया इसको, हमें यहां पे सेव कर लेते हैं इसको, तो ये सेव हो गया। अब सपोज कर लो कि यहां पे मैंने दूसरी लाइन लिखी और ये जो पहली लाइन है इसमें मैं यहां पे इस लाइन को क्या करता हूं, हटा देता हूं। अब मुझे ये जो लाइन है ये हटानी नहीं थी, तो इसके लिए तो ये जो ऑप्शन है अंडू वाला, लेकिन
अब जो है मैंने अंडू कर दिया, लेकिन ये फाइल मुझे वाकई हटानी थी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रीडू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। रीडू जो है ये आपका वापस जो पहला ऑप्शन है, जो पहला एक्शन हमने करा उसी को रिपीट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हट चुका है, वापस से रीडू हो गया है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट। फॉन्ट जो है ये ऑप्शन से हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो भी फॉन्ट्स हैं उनको लिखने के, यानी कि टेक्स्ट को लिखने का जो तरीका है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ आपके पास 7-8 ही हैं, इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ऐसे फॉन्ट्स हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड अगर आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो हर कंप्यूटर के अंदर ये बाय डिफॉल्ट सारे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो ब्लॉग है वो कहीं पे भी जो है गंदा नहीं दिखेगा, जिस तरह से आपने डिफाइन करा उसी तरह से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज जैसे कि अभी इसको जो है आपको थोड़ा बड़ा करना है, लार्ज करना है, और इसको और लार्ज करना है, या बिल्कुल स्मॉलेस्ट करना है, या फिर इसको स्मॉल करना है, या नॉर्मल में रखना है, तो जैसा भी हम करना चाहते हैं वो यहां से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो है सपोज कर लो हमें जो है इसको हेडिंग डिफाइन करनी, तो हम इसको हेडिंग में करेंगे तो ये हेडिंग H1 टैग में चला जाता है। अब ये H1, H2, H3, H4 टैग्स वगैरह क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली मैं सारी चीजें कवर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके बाद है आपका सब हेडिंग। सब हेडिंग होती है सपोज कर लो एक मेन आर्टिकल आपने लिखा, अब इसके अंदर जो है ये हमारी हेडिंग है, इसको हम जो है हेडिंग डिफाइन कर देते हैं, और इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे एक सब हेडिंग डिफाइन करनी है। तो सब हेडिंग डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसको मुझे सब हेडिंग डिफाइन करना, तो मैं यहां पे जाके सब हेडिंग डिफाइन कर देता हूं। अब इसके भी अंडर में मुझे और कोई हेडिंग डिफाइन करनी है तो उसके अंडर में जो है मैं यहाँ पे माइनर हेडिंग जो है वो डिफाइन कर दूंगा। तो ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको जब हम ऑन पेज SEO वगैरह करेंगे तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों जो है इस तरह से हमें इनको सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका बोल्ड करना है या फिर किसी को इटैलिक करना है या फिर आपको किसी भी को अंडरलाइन करना है ना, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें कलर चेंज करना है तो ये बहुत सारे कलर्स हैं, जैसा भी आपको कलर चेंज करना है तो आप यहां से कलर चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको मुझे रेड करना है तो मैं रेड कर सकता हूं, तो ये कलर चेंजिंग के ऑप्शन भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट का बैकग्राउंड। सपोज कर लो इसका मुझे कुछ बैकग्राउंड रखना है, तो बैकग्राउंड मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है इसका येलो बैकग्राउंड, तो आप देखते हैं यहाँ पे येलो बैकग्राउंड जो है इसमें आ चुका है। तो ये बैकग्राउंड डिफाइन करने के लिए अब इसको जो है मुझे लिंक देना है। लिंक बोलना तो यहाँ पे मुझे इसको अगर कोई क्लिक करता है तो वो किसी दूसरे पेज पे मेरी वेबसाइट के या फिर जो है किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जो है रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो ये लिंक के जरिए हम क्या करते हैं, वो लिंक जो है हमारा वेबसाइट का जो URL है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो लिखने के बाद हम इसको ओके करेंगे तो ये जो है लिंक हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। अब सपोज कर लो यहाँ पे मुझे कोई इमेज डालनी है, तो इमेज के लिए यहाँ पे ऑप्शन है इमेज, इंसर्ट इमेज। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चूज अ फाइल, तो आपको जो भी आपकी फाइल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे ये अपलोडिंग हो रही है, और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना। आप देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल करना है तो ये ऑटोमेटिकली स्मॉल होगी, मीडियम करना है तो ये मीडियम होगी, लार्ज करना है मुझे ये लार्ज होगी, एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो ये एक्स्ट्रा लार्ज होगी, ओरिजिनल साइज पे रखना है तो ओरिजिनल साइज पे चलेगी। आप इसको लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहते हैं, राइट साइड में अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसे सारे ऑप्शन जो है आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कैप्शन ऐड करना है या फिर इसको रिमूव करना है तो आप यहां से सारी चीजें कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे वीडियो जो है वो डाल सकते हैं, जैसे कोई यूट्यूब का वीडियो है आपका, तो यूट्यूब का वीडियो जो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूं। अब सपोज मेरा ही चैनल पे चला जाता हूं, मैं मेरे चैनल पे चला जाता हूं और मेरा ही कोई एक वीडियो ले लेता हूं, से फॉर एग्जांपल ये ब्लैक फ्राइडे वाली सेल है तो मैं इसका URL कॉपी करता हूं और कॉपी करके जो है यहां पे पेस्ट करके इसको सर्च करवाता हूं, तो देख सकते हैं ये वही वीडियो जो है मेरा यहां पे आ गया। अब मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये वीडियो जो है यहां पे इंसर्ट हो चुका है। अब ऐसे में जो है ये मैं इसको बंद कर देता हूं वीडियो को, नहीं तो वो चलता रहेगा, तो ये हमारी वीडियो जो है इंसर्ट हो गई। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं आसानी से इसको रिमूव भी कर सकता हूं, तो इसमें आपको सेलेक्ट करके डिलीट की दबा देंगे कीबोर्ड के ऊपर
तो ऐसे में इसके बाद जो है कुछ अलाइनमेंट्स हैं, आपको सेंटर अलाइन करना है या फिर आपको नंबरिंग डालना है, बुलेट पॉइंट वगैरह डिफाइन करने हैं, तो ये काफी सारे जो है आने वाले, जैसे जैसे हम आर्टिकल लिखेंगे तो इन सब चीजों को भी देखेंगे। अब इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड पे जो टूल बार है, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे सबसे पहले है लेबल्स। लेबल्स वो सेक्शन है जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे जो कीवर्ड्स हैं, सपोज को लो ये हमारा एक ब्लॉग आर्टिकल है, अब इस ब्लॉग आर्टिकल को जो है कीवर्ड जो हम टारगेट कीवर्ड जो है इसके लिए, ताकि हमारा कोई लोग, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि भाई बेस्ट माइक्रो ओवन, तो माइक्रो ओवन सपोज को लो ये आपने जो है एक रेफ्रिजरेटर या माइक्रो ओवन जो भी आप खरीदना चाहते हैं, तो वो जो है आपका एक टारगेट कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड जो भी लोग लिखेंगे तो वो क्या करते हैं यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे से फॉर एग्जांपल बेस्ट मोबाइल है ना, बेस्ट मोबाइल इन दिसंबर, तो ये मैंने लिख दिया, तो इस तरीके ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। इस तरह से जो है आपको और भी कोई भी कीवर्ड लिखना, जैसे कि ये एक बेस्ट हो गया, एक कीवर्ड ये हो गया आपका, अब आपको दूसरा कीवर्ड लिखना, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, फिर स्पेस दोगे और यहाँ पे दूसरा कीवर्ड लिख दोगे। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी आपके टैग्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। इसके बाद जो है आपका आता है शेड्यूल। शेड्यूल जो है ये बेसिकली सपोज कर लो ये आर्टिकल आज आपने लिख दिया, लेकिन आप इसको पब्लिश नहीं करना चाहते हो, आप और ऐसे टाइम और डेट पे पब्लिश करना चाहते हो जब आप अवेलेबल हैं या नहीं है, ये आपको नहीं पता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने काम तो कर दिया पूरा कंप्लीट, लेकिन इसको मैं तभी सेट कर दूं, तो आप यहां से सेट डेट एंड टाइम कर सकते हो। इस पे जाके आपको जो भी डेट, फ्यूचर डेट आपको सेलेक्ट करनी है या फिर उसमें जो भी टाइमिंग आपको सेट करना है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको डन कर देंगे, तो ये उस डेट में उस टाइम पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो ये चीज जो है आप शेड्यूल में कर सकते हैं। परमालिंक जो है ये बेसिकली जब भी आप यहाँ पे पोस्ट का टाइटल डालते हो उसके बेस के ऊपर में इसका एक URL बना देता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये URL जो है वो नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ पे कस्टम परमालिंक पे जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया बेस्ट मोबाइल फोन, ठीक है ना, बेस्ट मोबाइल फोन इन दिसंबर 2019, तो ये कर दिया, तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा जो है एक यहाँ पे कस्टम URL बन गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे पूरा हमने क्या करा, पूरे URL जो पहले आया था यहाँ पे उसको हमने रिमूव कर दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे जाओ, फिर कस्टम पे जाओ, अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिलीट कर दो, जो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक वाला URL है इसमें जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेस्ट वर्ड है इसकी जगह पे आपको चेंज करना। तो अभी यहाँ पे चेंज करना कैसे है, जैसे हमने अभी क्या लिखा, बेस्ट मोबाइल, ठीक है ना, बेस्ट मोबाइल इन दिसंबर 2019, इस तरह से लिख दिया, तो बीच बीच में हमने क्या दिया, स्पेस दिया, तो स्पेस दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इनवैलिड हो गया। अगर आप इसको यूनिक बनाना चाहते हो तो इसको बीच में आपको डैश जो है वो लगाना पड़ेगा, ताकि ये कंटिन्यूटी में, क्योंकि URL के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आ सकता है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये हमारा URL ऊपर बन के रेडी हो गया। तो यहां से हम जो है URL डिफाइन करते हैं। लोकेशन, लोकेशन बेसिकली वो सेक्शन है, अब सपोज को लो जो हमने ब्लॉग लिखा है हमारी टारगेट ऑडियंस कहां पे, अगर टारगेट ऑडियंस है फॉर एग्जांपल इंडिया में है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ किसी और जगह पे इसको पब्लिश कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है, हमने यहाँ पे इंडिया कर दिया, ये इंडिया का मैप आ गया हमारे सामने, लोकेशन सेट हो गई, ठीक है ना। अब इससे में जो है हम इसको डन कर देंगे, तो यहाँ पे जो ये टारगेट हो जाएगा सेट कि ये इंडिया के लिए, इंडिया के जो पब्लिक है उसके लिए यहाँ पे हमने ये ब्लॉग जो है वो सेट करा, तो जब इंडिया के अंदर से कोई सर्च करेगा तो हो सकता है कि वहां पे हमारा जो आर्टिकल है, ब्लॉग है, वो पहले नंबर पे आ जाए। ऐसे में इसके बाद है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर बेसिकली आपको कमेंट अलाउ करने हैं कि नहीं करने हैं, है ना, तो ये सारी चीजें, ये बाकी की सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कमेंट सेक्शन का देख लो, अलाउ डोंट अलाउ, तो ये पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर जो है, इसी ब्लॉग के ऊपर जो है ये कमेंट जो है आपके एनेबल और डिसेबल होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सपोज कर लो जो भी चीजें आप लिखते जा रहे हो आपको सेव करनी है, तो यहाँ पे आप सेविंग पे क्लिक करो तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको आप पब्लिश नहीं करना चाहते, लेकिन उससे पहले ये कैसा दिखता है वो आपको देखना है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, तो प्रीव्यू पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहां पर जो है आपको ये दिखा देगा कि किस तरह से आपका आर्टिकल जो है वो दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा, अभी बहुत ही गंदा सा दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी चीज करी नहीं है सेट, तो जब हम पूरा अच्छे से आर्टिकल लिखेंगे
तो वो जो है आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा भी, तो उसमें जो है आने वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इसके बाद जो है आपका है पब्लिश। सपोज कर लो आपको अभी जो है पब्लिश करना है या शेड्यूल कर दिया है आपने तब पब्लिश करना है, तो आप इसको पब्लिश पे क्लिक कर दो, क्योंकि जब तक आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करोगे तो वो जो है यहाँ पे पब्लिकली लाइव नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, शेड्यूल मतलब ये फ्यूचर डेट में जो है शेड्यूल किया गया है, और ये कब है 25/12/2019 को शेड्यूल किया गया। अब इसके बाद यहाँ पे कितने कमेंट आए हैं, कितने आपके व्यू आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल जो है वो दिखाई देती रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई एम श्योर कि ये जो टूल्स मैंने आपको सारे बताए किससे क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये बताने का इसलिए मकसद जरूरी था क्योंकि आगे चल के जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो उनको जो मैं फॉर्मेट करूंगा तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि कहां पर कैसे कैसे जो है हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो, अगर वीडियो में आपको लग रहा है बार बार आपको देखना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक है, तो आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो मैंने चीजें बताई हैं ये सारी स्टेप बाय स्टेप यहां पर भी आपको डिस्क्राइब करके रखी है। आप देख सकते हैं यहां पे सारा जो है डिटेल आपको बता के रखी है, ताकि जो है आप यहां से भी पढ़कर जो है पूरा इस चीज को समझ सके। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो यहां पे जो है आप यहां पे सर्च करेंगे मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो आप यहां पे आ जाएंगे और यहां आकर जो है आपको इसको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर और इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड तक जो है इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो अगर सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग तो वो भी जो है यहां से नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।